भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में पिछले 5 तारीख को तख्ता पलट हो गया और वहां की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के साथ साथ देश छोड़ दिया और वहां पर जो आंदोलनकारी थे वह इतने अराजक हो गए कि वह प्रधानमंत्री आवास के अंदर घुस गए और समय पर अगर वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना वहां से पलायन न की होती तो शायद उनको उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। और वहां के सेना प्रमुख वकारुज्जमा ने उन्हें नोटिस दिया था जब वह अपना विदाई भाषण वहां वह रिकॉर्ड कर रही थी तो उन्हें बीच में छोड़कर उन्हें वहां से तत्काल रवाना होना पड़ा। फिर वह वहां से भारत आई और आगे का जो विषय है अब वहां पर इंटरिम सरकार बनाने के लिए जो वहां के सेना प्रमुख वकारुज्जमा ने 48 घंटे का समय दिया था उसके अनुसार अब वहां पर जो इंटरिम जो वहां की सरकार का मुखिया है वो तय कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में, मैं वीके बस। तो वहां के सेना प्रमुख ने जिसे इंटरिम सरकार का मुखिया चुना है वह है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो कि 2006 के नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं और इनको जो है गरीबों का बैंकर कहा जाता है। बांग्लादेश में गरीबों को उनकी गरीबी से मुक्ति दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा और इनका कर्ज देने का जो मॉडल था उसकी पूरे विश्व में उसने कर्ज देने के सिद्धांत को प्रेरित किया और अमेरिका भी इनके सिद्धांत से बहुत प्रभावित रहा। $100 तक का कर्ज देकर लोगों को गरीबी से मुक्त कराने में इनका एक इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही जिसके चलते इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था और इन्हें वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना का धुर विरोधी बताया जाता है। और जो शेख हसीना का वहां से इस्तीफा हुआ है, वहां से पलायन हुआ है बांग्लादेश से, उनके उसके पीछे के कारणों में से एक कारण के रूप में मोहम्मद यूनुस को भी गिना जाता है। तो मोहम्मद यूनुस इस समय वहां के इंटरिम सरकार के मुखिया घोषित किए गए हैं और ऐसा ही वहां के आंदोलनकारियों की का भी प्रस्ताव था जिसको सुनते हुए ऐसा किया गया है। जैसा पिक्चर सामने आ रही है देखने से लगता है कि आंदोलनकारियों की सेना के साथ अच्छी बन रही है और सेना या तो आंदोलनकारियों के दबाव में है या सेना उनके साथ पहले से मिली हुई है क्योंकि जिस तरीके से पूरे ढाका में जब आंदोलनकारी प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे थे तो सेना ने उन्हें कहीं रोकने की कोशिश नहीं की और सीधे प्रधानमंत्री को अल्टीमेटम दिया कि आप यहां से तुरंत निकल जाएं और उनको सहूलियत और मदद भी की कि वह वहां से सही सलामत वहां से निकल जाएं। तो मोहम्मद यूनुस जो हैं इनको 2006 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पूरे विश्व में इन्होंने अपने जो उधार देने की जो कहते ना इनको ग्लोबल माइक्रो क्रेडिट का जनक बताया जाता है जिसने पूरे दुनिया में कर्ज लेने के सिद्धांत को प्रभावित किया। तो 2006 में इनको पुरस्कार मिलता है और जैसे जैसे इनका कद और इनकी ख्याति बढ़ती जाती है इनके अंदर और सफलता मिलती जाती है इनके अंदर एक राजनीतिक करियर बनाने की एक बड़ी महत्वाकांक्षा एक रूप लेना शुरू कर देती है और जैसे जैसे यह राजनीति की बातें करने लगते हैं राजनीतिक दखल इनका शुरू हो जाता है। 2007 में इन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाने की भी कोशिश की थी। तब उस समय की प्रधानमंत्री तब शेख हसीना ने इनको कहा था गरीबों का खून चूसने वाला और इसके बाद सारा प्रक्रिया चलती रही और यही डॉक्टर यूनुस को जनवरी में श्रम कानूनों के उल्लंघन के लिए 6 महीने की जेल हुई थी और इनके 13 साथियों को अभी जून में एक अदालती फरमान आया था जिसमें जिसपे जमानत पर हैं सभी डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और इनके 13 साथियों को जो कि दूर संचार से संबंधित एक कंपनी बनाए थे और जिसमें कल्याण कोष जो था जो मजदूरों और श्रमिकों का जो कल्याण कोष था उसमें $2 मिलियन के गबन का आरोप लगा था जिसका केस चल रहा था। और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जब 1974 में चटगांव यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे तब वहां पर बांग्लादेश के उस हिस्से में बहुत भीषण अकाल पड़ा था और उस भीषण अकाल में उनकी मुलाकात एक ऐसी महिला से हुई थी जिसका काम देखने के बाद इनके दिमाग में माइक्रो क्रेडिट का एक आइडिया इनके दिमाग में आया था। महिला ने किसी से कर्ज लिया था और जिससे कर्ज लिया था उससे ये तय हुआ था कि वह अपनी तय कीमत के अनुसार वस्तु विनिमय भी कर सकता है। तो महिला ने जो कर्ज लिया था कर्ज के बदले कर्ज तो नहीं दी लेकिन कर्ज को जहां इन्वेस्ट किया था उससे जो उसका उत्पादन हुआ था उसके माध्यम से उसने कर्ज चुकाया था। तो यह सिद्धांत डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को बहुत ही प्रभावित किया था। उसके बाद उन्होंने एक प्रयोग किया था 42 ऐसे लोगों को लिया था जिन्होंने किसी साहूकार से कर्ज लिया था
और टोटल कर्ज जो था वो $27 से ज्यादा का नहीं था। तो उन्होंने जब उनपे एक प्रयोग किया तो उन्होंने देखा कि ये $27 जो कर्ज लिया गया था, इन लोगों ने कर्ज से काम किया और काम करके उसी पैसे से कर्ज को चुकाया, और चुकाने के बाद एक समय के भीतर जब कर्ज चुकाया तो इस सिद्धांत ने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को इतना प्रेरित किया कि इसके इसके द्वारा उन्होंने उनके दिमाग में एक बात आई कि कर्ज और अधिक कर्ज इन लोगों को दिया जा सकता है और इस तरीके से इनको गरीबी दूर करने में इनकी मदद की जा सकती है। तो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने ये एक प्रयोग किया था और जो आंदोलनकारी हैं उनके बीच में काफी पॉपुलर हैं, इस समय पेरिस में अपना इलाज करा रहे हैं, 84 वर्षीय हो चुके हैं और इनकी उम्र काफी हो चुकी है, लेकिन गरीबों के बीच में काम करने की वजह से जो इनकी अपनी एक छवि बनी हुई है वह काफी व्यापक है और इस समय जो आंदोलनकारी हैं वह इनको प्रेफर कर रहे हैं। तो ऐसी सूचना मीडिया स्रोतों के माध्यम से आ रही है कि सेना प्रमुख ने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को वहां का इंटरिम मुखिया तय किया है और अभी आने वाले समय में जल्दी ऐसी सूचना मिलेगी कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अभी के यानी तत्काल के पीएम है। इसके अलावा ऐसा माना जा रहा है कि जो कुछ आंदोलन हुआ है, जो आरक्षण को लेके वहां आंदोलन जो छात्रों ने किया, इसके पीछे कुछ और विदेशी शक्तियां या सरकार विरोधी शक्तियां या उस समय की शक्तियां जो कि बांग्लादेश आजाद हुआ था वह भी अपना हाथ धो रही हैं इसमें। ऐसा बताते हैं कि इसमें अमेरिका का भी हाथ है और जो खालिदा जिया, बेगम खालिदा जिया जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थी, जो कि जेल में थी, अभी उनको वहां के प्रधान राष्ट्रपति ने तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था, वो रिहा हो गई हैं। तो इस आंदोलन के पीछे ऐसा माना जा रहा है कि बेगम खालिदा जिया के बेटे का भी हाथ है और वह पूरी तरीके से आंदोलन को हवा देने के लिए ISI से भी मिला हुआ है, यानी कि पाकिस्तान की भी भूमिका इसमें सामने आ रही है। और सबसे जो शर्मनाक है वह यह कि बांग्लादेश के नागरिक अपने नागरिक कर्तव्यों से दूर शर्मनाक हरकत कर रहे हैं, अपने ही देश को लूटने का काम कर रहे हैं और उस व्यक्ति की मूर्ति गिरा रहे हैं जिसने पाकिस्तान के जुल्मों सितम से इनको आजाद कराया था और एक राष्ट्र के रूप में पहचान दी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शेख मुजीबुर रहमान की, जो कि शेख हसीना के पिता भी हैं। तो उनकी मूर्तियों को बड़े अनादर और बड़े अपमानित तरीके से बुलडोजर के माध्यम से तोड़ा जा रहा है, कहीं हथौड़े मारे जा रहे हैं। तो यह जो पिक्चर सामने आ रही है, बांग्लादेशी अपने ही कर्मों से एक अपनी गंदी करतूत के माध्यम से अपनी एक गंदी पिक्चर बना रहे हैं। तो यह लूटपाट की बहुत सी घटनाएं वहां से आ रही हैं और खासकर हिंदुओं के मंदिरों को भी टारगेट किया जा रहा है, लूटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, हिंदू माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है और हिंदुओं के साथ कत्लेआम किया जा रहा है। तो विश्व की ऐसी शक्तियों को जो मौके मौके पर किसी राष्ट्र में दखल करने का काम करती हैं उनको सामने आना चाहिए और मजहबी ताकतों से अल्पसंख्यकों यानी कि खासकर वहां के हिंदू और बौद्धों की रक्षा के लिए भी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि स्थिति बहुत भयानक है वहां की, बहुत ज्यादा स्थिति बिगड़ी हुई है। तो अब देखिए क्या होता है। वकार उज्जमा जो कि वहां के सेना प्रमुख है, उन्होंने इंटरिम मुखिया तय किया है और जो मुखिया है वह अभी देश में नहीं है, पेरिस में है, वो अपना वहां इलाज चला रहे हैं। तो यह थी अभी कुछ अपडेट जो कि बांग्लादेश से आ रही है और बांग्लादेश में कौन मुखिया बना इससे संबंधित है। फिर आते हैं बांग्लादेश और कुछ अन्य न्यूज अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।